आज अभाजका के कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं और इस समय हम हैं कासगंज और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेने के लिए आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। जय भीम हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। जय भीम हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। जय भीम हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। गंगा तो के आदि है, हम अंबेडकर आदि है। गंगा तो के आदि है, हम अंबेडकर आदि है। नमोदय जय भीम। आज के लिए जो संदेश है, आज जो हमारे आवाजका का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये छोटा कार्यक्रम है बट बड़े पैमाने पर हमें इस देश में जो शोषित पीड़ित और हमारा समाज है पूरा, सदन समता बंधुत्व न्याय बंधुत्व के आधार पर इनको पूरे समाज को बाबा साहब ने जैसा बोला था कि जाओ शासन करती जमात आपको बनना है, शासन करती जमात बनाने के लिए उनको अवेयरनेस दिलाने के लिए आप इस देश के शासक थे और अभी आपको फिर शासक बनना है, उसी के लिए कड़ी में हम लोग ये संदेश आज देना चाह रहे हैं और आगे इसी को लेके जाएंगे। देखिए तो पहले तो मैं अपने सभी कार्यकर्ता बंधु अधम बंधु और अपने कासगंज के सभी सम्मानित मिशनरियों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक चीज़ बड़ा जो स्पष्ट रूप से मैं देखता हूँ, यह विजन का मामला है, यह दूरदर्शिता का मामला है। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है। जब बच्चा पैदा होता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है, वही देश का साइंटिस्ट बनता है, वही देश का प्रोफेसर बनता है। और ये जो मिशनरी हैं इस देश को हुक्मरान हैं, कल ये राजा बनेंगे। ये तो छोटा सा एक नमूना अपना दिखा रहे हैं और इस नमूने में जो विजन छुपा है कि इस देश का हुक्मरान बनने का साहस और उम्मीद और कार्य करने की जो निष्ठा छिपी है, और शायद यही कारण है कि इतने मिशनरी आए हैं केवल इस बात को बताने कि हम लोग इस देश को हुक्मरान बनेंगे। और सम्मान जो कार्यक्रम स्थल पर ले जा रहे हैं वह विजन को प्रदर्शित करते हुए अपने दूरदर्शिता को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। आइए, जो नीला झंडा देख रहे हैं, पंचशील का झंडा देख रहे हैं, अशोक चक्र देख रहे हैं, ये बुद्ध का प्रतीक देख रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर का प्रतीक देख रहे हैं, मानवर कांशीराम साहब का प्रतीक देख रहे हैं। ये प्रतीक बोल रहे हैं कि हम हुक्मरान बनने वाले हैं। हुक्मरान तो थे ही उत्तर प्रदेश में चार बार भाई, हम पूरे देश में हुक्मरान बनना है। और ये हुक्मरान बनने की दिशा में तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे बताए, इतिहास जरा देखें
कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्म 1891 हुआ, 1956 में बाबा साहब नहीं रहे, अब 65 के बाद आपका 64 साल उनके मरे हुए हो गया। तो जितनी प्रगति आप देख रहे हैं, जितनी उन्नति देख रहे हैं, मात्र 64 ईयर 6 दशक का देख रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत लड़ाई का शुरुआत हो गया है, और आने वाले समय में 100 साल आज से गिन लेना, 64 साल बड़ा, 40 साल में इस देश का हम लोग हुक्मरान बन के आपको दिखाएंगे। इसीलिए कासगंज के जनपद में हम लोग आए हुए हैं, और कासगंज साथियों का जोरदार तालियों। ले लीजिए, इस गाड़ी के पीछे ले लो, इसको कहिए कम से कम रैली तो कवर कर लेगा। बस चलिए 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 आगे तक चलिए पूरा। चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए, ट्रक के पास रुकना, आगे ट्रक के पास। सर बाबा साहब के आशीर्वाद से जहाँ जाते हैं वहीं सम्मान मिलता है भाई, तो बाबा साहब का रिस्पेक्ट लोग करता है, बाबा साहब के प्रति समर्पण भाव है, भाव है। क्या कहेंगे सर सम्मान के लिए, क्या कहेंगे, जहाँ जाते हैं वहीं सम्मान मिलता है। ये सम्मान हमारे लिए नहीं है, ये सम्मान कार्यकर्ता का है और बाबा साहब का है, बाबा साहब का मिशन का सम्मान है। आप देख रहे हैं इस समय ये प्रसारण संतावाज टीवी के माध्यम से, BAB इंटर कॉलेज है कासगंज का, जहां पर आज लगा है बहुजनों का जमावड़ा। हजारों की संख्या में आज बहुजन समाज एकत्र हुआ है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो महासंघ है आवाज का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव
पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंदर और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करते हुए सड़क पर आए हैं। आप देख रहे हैं सुजाता बुक सेंटर जो पिलखुआ से है, कासगंज में भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये तमाम उनके प्रोडक्ट हैं जो आपको सुजाता बुक सेंटर पर मिल जाएंगे। बहन जी भी साथ में है। आवाज का के राष्ट्रीय सेमिनार 2019 में हम पहुंचे हैं आज कासगंज और आप देख रहे हैं कितना भव्य है जो आयोजन है, आयोजकों ने किया है। जगह जगह पर बहुजन महापुरुषों की फोटोएं फ्लैक्स के रूप में आपको दिखाई दे रही हैं। भीम आर्मी भी आवाज का के समर्थन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। भीम आर्मी की टीम पूरी आप देख रहे हैं, भीम आर्मी की टीम भी यहाँ पर आवाज का के साथ है। आप लगातार फुटेज देख रहे हैं समता आवाज टीवी के माध्यम से। हमारे आगे भविष्य में सम्मान है और आप इतनी बड़ी
बाबू थोड़ा घूम जाइए बेटा, थोड़ा घूम जाओ और पीछे पीछे जाओ। कि महाराष्ट्र से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कर्म स्थली के भूमि से बाबा साहब भी घोसले आए हैं और इनके नाम में बाबा साहब को जुड़ा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनके माता पिता ने बड़ा सोच समझ करके इनके नाम के आगे ही लिख दिया बाबा साहब की घोसले का नाम। ये भी बाबा साहब का सिपाही होने के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन है, मैं बुद्ध मित्र जी के साथ बुद्ध मित्र और बुद्ध का मिशन और बाबा साहब का मिशन हमारे नामों में भी है और ये हम ऐसे धाम तक जो निभाएंगे और ये मिशन जिंदा रखेंगे और आगे आने वाले 50 साल 100 साल तक हम भी काम करेंगे और आगे आने वाले पीढ़ी को प्राण बनाने का यहाँ हम आपको वचन देते हुए और शपथ देते हुए आपका सबका अभिवादन करते हैं और सबका आभारी हूँ। ये हमारे जो भी सम्मानित साथी के बीच बैठे बैठे हुए हैं इस साइड से होगा। मेरा आपको ने सादर अनुरोध है हमारे मिश्री साथियों से कि साइड में दीवार के किनारे जगह है वहाँ पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय बहुजन गायिका मालती राव एक भी इस समय आगंतुकों का स्वागत कर रही है। आप देख सकते हैं आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब कोई लड़का मैंने एक बात पहले
कोई लड़का कहते कि हमारे पास तो महिलाएं लोग आज जो ब्लाउज पहन रही है ना, ये हमारे महापुरुष की देन है। नहीं जे दुश्मन चलते थे मेरी माताएं बहने, चाहे जवान हो चाहे बुढ़िया हो, उन्हें ब्लाउज की गांठ को खोलनी पड़ती थी। ताने मुझे शर्म आता है, लेकिन इतिहास को जानना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। जिस कौम का इतिहास नहीं है वह कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है मेरे साथ। इसलिए हमारे महिलाओं को तो ब्लाउज की गांठ खोलनी पड़ती थी, हमारे पुरुष भाई को आगे ढक लेते थे पीछे ढक लेते थे नंगे घूमते थे। सुधरा राय जी फिल्म देखा होगा ना, तो उसमें समझ में आ गया देखा। संत आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, संत आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, संत आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। संत आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है संत आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।